फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स मैं बालाजी मुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स आज हम रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चे देखो, हमने रेस्पिरेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, आज हमें सर्कुलेशन के बारे में देखना है, यानी कि इसी टॉपिक का सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। और जो सेकेंड पार्ट है बच्चों वो है सर्कुलेशन। तो इसी पार्ट से हमें एग्जाम में दो क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। दोनों क्वेश्चन में से हमें वहां पर 3 मार्क्स लेना है, तो यानी कि बहुत सिंपल सी बात है और टॉपिक भी बहुत इजी और आसान टॉपिक है। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की, सीधा चलते हैं हम सर्कुलेशन की तरफ। अब सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन किसे कहते हैं हम, उसके बारे में हमें बात करना है, उसके बारे में सोचना है बच्चों। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हमारे बोर्ड एग्जाम में इसी टॉपिक से हमें अच्छी तरह से मार्क लेना है, स्कोर भी करना है, और हम तो सब अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो उसके बारे में तो कोई हमें टेंशन आने वाला ही नहीं है इस टॉपिक का, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों आज का टॉपिक कितना आसान है। इस टॉपिक को हम सर्कुलेशन कहने वाले हैं। रेस्पिरेशन तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है जो कल के लेक्चर में हुआ था, आपने भी अच्छी तरह से देखा, आपकी भी पढ़ाई होगी होंगी। तो चलो बच्चों चालू करते हैं 8.8 यानी कि सर्कुलेशन इन एनिमल्स। अब यहाँ पर हमें सर्कुलेशन एनिमल्स के अंदर देखना है बच्चों। एनिमल्स के अंदर जो भी सर्कुलेशन चलता है तो वो स्पेसिफिक फ्लूइड की वजह से चलता है, वहाँ पर स्पेसिफिक फ्लूइड है जो सर्कुलेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है बच्चों। और ये जो फ्लूइड है उसे हम ब्लड कहते हैं या फिर लिम्फ भी कहते हैं, यानी कि ब्लड भी है लिम्फ भी है। ब्लड और लिम्फ दोनों यहाँ पर सर्कुलेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एनिमल्स के अंदर, और इन्हीं की वजह से सर्कुलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब ह्यूमन के अंदर हम सोचेंगे तो हमें ब्लड वास्कुलर सिस्टम दिखाई देती है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड को कंडक्ट करने वाले जो भी वेसल्स है तो उन्हीं के ग्रुप को हम सिस्टम कहते हैं, तो ये बन गई ब्लड वास्कुलर सिस्टम। अब देखो जितने भी हायर एनिमल्स है उसके बाद एनिलिड्स टू हम क्वाड्रेट्स तक देखते हैं तो उन्हीं के अंदर स्पेशल सर्कुलेटरी फ्लूड होता है, और जो सर्कुलेटरी स्पेशल फ्लूड है बच्चों उसे हम ब्लड कहेंगे, ये सिंपल सी बात है। अब ये जो ब्लड है इसे पंप करना भी जरूरी है, इसे पंप करने के लिए कुछ टिश्यूज होते हैं और यही टिश्यू जो है हार्ट से ब्लड वेसल तक पंप कर सकते हैं ब्लड को, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है तो उसी को वो सर्कुलेट करने के लिए ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों। उसके बाद ब्लड वेसल्स के साथ कुछ पंपिंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि हार्ट के बारे में हम सोचेंगे, लेकिन सभी ऑर्गन टिश्यू के बने हुए थे जो टिश्यू पंपिंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात वहाँ पर हमें पता चलती है। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। फिर हमारे बॉडी के अंदर कितने ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, ज्यादातर हम ह्यूमन के बारे में ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर, या फिर कुछ अदर एनिमल्स के बारे में भी हम सोचेंगे तो हमें वहां भी कुछ और पता चलने वाला है, लेकिन ज्यादा हम ह्यूमन को कंसिडर करेंगे। अब देखो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे वास्कुलर सिस्टम है जिसे हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम कहते हैं, तो बेसिकली कितने टाइप्स के हैं ये हमें वहां पर पूछते हैं, और इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे याद रखना। देखो ओपन सर्कुलेशन ये फर्स्ट वाला पॉइंट, जो फर्स्ट सिस्टम है उसे हम ओपन सर्कुलेशन सिस्टम कहेंगे और जो अनदर है वो तो क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम है। तो ओपन सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, अब देखो एनिमल्स अगर देखेंगे हम तो एनिमल्स हैविंग ओपन सर्कुलेशन ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी कैविटीज, मीन्स जो एनिमल्स है जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है तो उन्हीं एनिमल्स के अंदर जो सर्कुलेशन चलता है वो सर्कुलेशन बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जो भी चल रहा है तो वहां पर बॉडी कैविटी होती है बच्चों, और बॉडी कैविटी से ये सर्कुलेशन चलता है। तो यहाँ पर हम कैविटीज को ह्यूमोसिल्स भी कह सकते हैं, और ह्यूमोसिल्स के अंदर ब्लड होता है और वहां पर ऑर्गन डीप्ड होता है, यानी कि इसका मतलब सिंपल सी बात है अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगी तो ये ब्लड कंडक्टिंग ट्यूब है और यहाँ से ये बॉडी का पार्ट है बच्चों। अब ये बॉडी का पार्ट है तो इसके अंदर देखो यहाँ पर ऑर्गन है या फिर टिश्यू है, तो ये साइड में हमें ब्लड दिखाई देता है और जो ऑर्गन है वो अंदर डीप्ड है, ऑर्गन कहेंगे या फिर इसे हम टिश्यू भी कह सकते हैं टिश्यू के ग्रुप को। तो इसी तरह से अब ऑर्गन डीप्ड रहता है फ्लूइड के अंदर, तो इसी तरह के सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं, ये आसान बात वहां पर है। अभी ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ये कैविटी से रिलेटेड है ज्यादातर। अब यहाँ पर जो एक्सचेंज चलेगा मटेरियल का वो डायरेक्टली बिटवीन ब्लड एंड सेल इस प्रकार से चलता है या फिर टिश्यू और बॉडी से चलता है, मीन्स ब्लड से कंटेंट सीधा सेल के अंदर आ रहे हैं या फिर ऑर्गन के अंदर आ रहे हैं और ऑर्गन से सीधा ब्लड के बाहर जा रहे हैं, यानी कि एक्सचेंज सीधा ब्लड से हो रहा है और एक्सचेंज सीधा सेल के साथ भी चल रहा है, तो ये प्रोसेस वहां पर दिखाई देती है। उसके बाद देखो
ब्लड फ्लो विच लो प्रेशर यूजुअली डज नॉट कंटेन अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है वो वहाँ पर प्रेशर थोड़ा लो होता है, प्रेशर लो होता है इसका मतलब क्या है, वहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है बच्चों। अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है वहाँ पर पंपिंग प्रोसेस नहीं होती है और कोई वहाँ पर प्रेशर जनरेट करने वाली बॉडी भी नहीं होती है या फिर ऑर्गन भी नहीं होता, तो वहाँ पर प्रेशर कम ही रहेगा, वो सिंपल सी बात हम बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं है। अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, जैसा कि हम हीमोग्लोबिन के बारे में बता सकते हैं, हीमोग्लोबिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, अगर ये भी वहाँ पर नहीं है तो हमें जो ब्लड दिखाई दे रहा है वो तो सिंपल सा दिखाई देगा, तो वो नॉन कलर भी हो सकता है बच्चों, जिनके अंदर कोई कलर ही नहीं होता है, कलर नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है ये जो ब्लड है विदाउट पिगमेंटेड है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि कॉकरोच के बारे में हमने स्टडी की थी क्लास 11th में, 11th में हमने बहुत अच्छी तरह से कॉकरोच के बारे में स्टडी की है, तो उसका जो ब्लड है वो सिंपल इसी प्रकार का नेचर बताता है। देन बच्चों मोलस्क, ये भी एग्जाम्पल हमने वहां पर देखा था, तो इसी तरह से ठीक है, तो ये सिंपल बात हम वहां पर बता सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, वो सिस्टम जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गन से रिलेटेड होती है और स्पेसिफिक ट्यूब से भी रिलेटेड होती है। अभी एक्चुअली कौन से ट्यूब से कौन से ऑर्गन से वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली हमें वर्टिब्रेट्स के अंदर दिखाई देती है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स यानी कि जिन जो ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रल कॉलम बताते हैं, तो वो तो वर्टिब्रेट बन गए, तो उन्हीं वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें ये सिस्टम दिखाई देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हायर मोलस्क एंड एनिलिड्स ब्लड सर्कुलेटेड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। अभी यहाँ पर अगर हम मोलस्क के बारे में देखेंगे तो हायर मोलस्क रहेंगे या फिर एनिलिड्स रहेंगे, तो इन्हीं के अंदर हमें नेटवर्क दिखाई देता है वेसल्स का, तो वो ट्यूब नेटवर्क है और उसी ट्यूब नेटवर्क से ब्लड सर्कुलेशन चलता है। अब इस टाइप के जो सर्कुलेशन चलते हैं, ब्लड फ्लो चलते हैं, तो ब्लड वेसल्स से चलते हैं, और ब्लड वेसल्स से हो रहे हैं तो वहां पर ब्लड डायरेक्टली बाहर नहीं आ रहा है, यानी कि ब्लड डू नॉट कम इन कम फ्रॉम आउट ऑफ द वेसल्स, और वेसल से आउट नहीं आ रहा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। ठीक है, अब जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां पर जो एक्सचेंज चलेगा मटेरियल का, वो एक्सचेंज मटेरियल चलता है ब्लड से बॉडी टिश्यू तक, और बॉडी टिश्यू से ये चलता है सीधा इंटरमीडिएट फ्लूइड से, जिसे हम लिम्फ कहेंगे। तो ये सिंपल बात हमें यहाँ पर याद रखना है, वहाँ पर पूरे ऑर्गन जो है इनक्लोज है, और इन्हीं इनक्लोज ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई किया जाता है। ब्लड सप्लाई करने के लिए पंपिंग ऑर्गन होता है, फिर वहाँ पर ब्लड सप्लाई करने वाले ट्यूब्स भी होते हैं, तो इसी तरह से ये ब्लड प्रेशर वहाँ पर चलते रहता है, और ये जो ब्लड फ्लो है वो हायर प्रेशर्स एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी उसी के अंदर होते हैं। यहाँ पर हायर प्रेशर होता है बच्चों। अब हायर प्रेशर क्यों रहेगा, क्योंकि वहां पर प्रेशर जनरेट करने वाले एक आधा ऑर्गन रहेगा, और प्रेशर जनरेट करने वाला एक आधा ऑर्गन रहेगा तो वहां पर सिंपल सी बात है प्रेशर भी बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हायर ब्लड प्रेशर है। उसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है बच्चों, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करने को हेल्प करते हैं, तो हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल वहां पर हमें दिया है, जो ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस को। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन से, जैसा कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना भी तो बहुत जरूरी है, तो ये सर्कुलेशन के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन भी चलता है, तो इसी तरह से वहां पर ये जो है पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं बच्चों। अब जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे हम टू मेन पार्ट्स के अंदर पढ़ सकते हैं, जो फर्स्ट वाली है जिसे हम सिंगल, और दूसरी है जिसे हम डबल सर्कुलेशन कहेंगे। अब सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, अब सिंपल सी बात है देखो, अगर यहाँ पर एक आधा ऑर्गन दिखाई देता है इस प्रकार से, और दूसरी साइड से ब्लड आ रहा है, सपोज यहाँ इधर से ब्लड आ रहा है बच्चों, और आने वाला ब्लड इधर से निकल जा रहा है, तो ब्लड आ रहा है और निकल जा रहा है तो इसे हम सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे, वापस ये तो ब्लड फिर से नहीं आने वाला है ना, तो इसी तरह से एक बार बाहर गया तो ब्लड बाहर चले गया, तो इसे सिंगल सर्कुलेशन हम कह सकते हैं। मीन्स ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वंस, मीन्स ब्लड कितने बार पास हो जाएगा, एक ही बार तो पास हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर लिया, तो एक ही बार अगर ब्लड पास हो रहा है तो ओनली वंस फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से एक ही बार पास होता है, तो इसी तरह से ये जो सर्कुलेशन चलेगा ये फिश के अंदर चलेगा। ये एग्जांपल के तौर पर हम पूछ सकते हैं कि विच टाइप्स ऑफ द सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन फिश, तो फिश के अंदर बच्चों जो है वो सिंगल सर्कुलेशन है, ये सिंपल सी बात हम
बता सकते हैं, ठीक है। अभी देखो और एक बात हम यहाँ पर दी है, जो ब्लड सर्कुलेशन सिंगल है और सिंगल सर्कुलेशन यहाँ पर चल रहा है, तो इसी सिंगल सर्कुलेशन के लिए हम फिश का एग्जांपल तो यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो ब्लड पंप हो जाएगा बच्चों, तो वो ज्यादातर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, वहां पर ऑक्सीजन का थोड़ा जो परसेंटेज है वो कम रहेगा, इसलिए वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हर्ट्स से लेकर गिल्स तक चलता है, यानी कि गिल्स टू हर्ट और हर्ट्स टू गिल, इस प्रकार से वहाँ सर्कुलेशन चलता है। और उसके बाद उसी का ऑक्सीजनेशन होता है, और ये ऑक्सीजनेशन होने के बाद ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी तरह से सिंगल सर्कुलेशन वहाँ पर चलता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिटर्न बैक होता है फिर से हर्ट के अंदर, ये नेक्स्ट साइकिल के लिए होता है। तो ये सिंगल सर्कुलेशन होता है। अब यहाँ पर देखो हमें इस सिस्टम में एक डायग्राम दी है और जो सिंगल सर्कुलेशन बताते हैं। अब बच्चों यहाँ पर डायग्राम आपको एग्जाम में पूछने का चांस है, तो डायग्राम को हम यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखो ये बन गया हमारा हर्ट, हर्ट के अंदर हमें दो चेंबर दिखाई दे रहे, एक बन गया जिसे वेंट्रिकल कहेंगे, दूसरा बन गया जिसे हम एटेरियम कहेंगे। तो इसी तरह से दो चेंबर्स वहां पर हमें डायग्राम्स के अंदर दिए है। अब आने वाला जो ब्लड है वो वेन लेके आ रही है, इधर से वेन से ब्लड आ रहा है, वेन से ब्लड आने के बाद कहाँ चलता है, हर्ट के अंदर, और हर्ट से फिर आर्टरी उसी ब्लड को कहाँ ले जा रही है, डिफरेंट कैपिलरीज के अंदर या फिर गिल्स के कैपिलरीज के अंदर। फिर यहाँ तक ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन दो बच्चों, फिर उसके बाद यहाँ से आगे ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन गया ना, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधा फ्लो होता है फिर सिस्टमिक कंडीशन की तरफ, और सिस्टमिक से फिर हर्ट के अंदर। तो इसी तरह से सिस्टमिक सर्कुलेशन यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर गिल से आने वाला सर्कुलेशन दिया है, और इधर का तो हर्ट से होने वाला सर्कुलेशन है, तो इसे हम हर्ट सर्कुलेशन कह सकते हैं। तो ये सिंपल सा सर्कुलेशन वहाँ पर हमें दिया है, जिसे हम सिंगल सर्कुलेशन कह सकते हैं, जो फिश के अंदर होता है बच्चों। उसके बाद दिया है हमें सिंगल सर्कुलेशन के बाद जो अनदर जो सर्कुलेशन दिया है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के अंदर जो अनदर सर्कुलेशन दिया है वो कुछ इस तरह से है। देखो अब जो सिंगल सर्कुलेशन है वो फिश के अंदर हमने देखा, फिश डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो उसे हम वेनस हर्ट कहेंगे, क्योंकि वहां पर पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी हो रहा है, तो इसलिए वेनस हर्ट हम उसे कह सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर डबल सर्कुलेशन दिया है हमको, डबल सर्कुलेशन के अंदर शॉर्ट नोट पूछने के चांसेस है बच्चों। अब डबल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, ब्लड दो बार पास होता है, उसे हम ट्वाइस सर्कुलेशन भी कहेंगे। और ट्वाइस सर्कुलेशन जो चलता है, तो इसी प्रकार का जो सर्कुलेशन है वो सीधा सीधा बर्ड्स के अंदर दिखाई देता है, मैमल्स के अंदर भी दिखाई देता है। अब ये दोनों के अंदर इसी प्रकार का सर्कुलेशन दिखाई देता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर देखो बच्चों, पंप करने वाला हर्ट जो है वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा लंग्स की तरफ, और लंग्स से वही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाएगा, और फिर से वो ब्लड आता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द हर्ट, यानी कि हर्ट के लेफ्ट पार्ट में आएगा। तो जो ब्लड यहाँ पर रिटर्न आ रहा है हर्ट के अंदर, तो ये दो बार हो रहा है ना, एक बार डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड आ रहा है। तो इसी तरह के सर्कुलेशन को वहां पर ट्वाइस बताया, ये बन गया डबल सर्कुलेशन। जब ब्लड लंग्स से आता है तो पल्मोनरी बन गया, और जब यही ब्लड बच्चों रिटर्न जो है हर्ट के अंदर आ गया तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन होने के बाद ये जो प्योर ब्लड है हर्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाता है तो वो पल्मोनरी बनता है। और जब यही पल्मोनरी ब्लड फिर से सर्कुलेट होके हर्ट की तरफ आता है तो उसे हम डबल सर्कुलेशन भी कहेंगे। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन बन गया। अब सिंपल सी बात यहाँ पर है, हम डायग्राम से देखेंगे। देखो क्या होता है बच्चों, सपोज ये हमारा हर्ट है, जो सिंपल हम हार्ट निकाल रहे हैं यहाँ पर, इसी तरह से हमारा हार्ट यहाँ पर दिया है, ये हार्ट है। अब इसे हार्ट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है, ये हार्ट बन गया। अब इसी हार्ट के स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल देखेंगे बच्चों को इस तरह से, अब ये तो राइट साइड का पार्ट है ना, इसे राइट कहेंगे, ये लेफ्ट साइड का है। अब क्या होता है, बॉडी से ब्लड राइट पार्ट में आता है तो वो इम्प्योर होता है, और यही इम्प्योर ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, तो लंग्स की तरफ जाता है तो लंग्स से फिर लेफ्ट पार्ट में आता है, तो लंग्स से आने वाला ब्लड कैसा है, प्योर ब्लड है। तो एक बार ब्लड बॉडी से हार्ट में आ गया तो ये एक साइकिल बन गई, दूसरी बार ब्लड फिर लंग से हार्ट में आ गया तो दूसरी साइकिल बन गई, तो इसे हम डबल सर्कुलेशन बता सकते हैं। अब यहाँ पर ब्लड जब लंग्स की तरफ जा रहा है तो पल्मोनरी बनता है सर्कुलेशन, और लंग्स से फिर हार्ट के अंदर आ गया, फिर बॉडी के सभी पार्ट को मिल गया, फिर
वहां पर ह्यूमन हार्ट के अंदर आता है तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। तो इसी तरह से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो होता है। उसके बाद ह्यूमन हार्ट शो डबल सर्कुलेशन, जनरली ह्यूमन हार्ट डबल सर्कुलेशन यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ पर सिंपल सी डायग्राम हमें दी है, डायग्राम के तौर पर हम समझाते हैं। देखो ये हार्ट हो गया, हार्ट का ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। बच्चों क्या होता है, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया, फिर वो चले गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी ले जाते हैं कहाँ पर, लंग्स की तरफ। अब लंग्स की तरफ ब्लड आ गया, वहां पर ब्लड आने के बाद सीधा ब्लड जो है ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। ये ब्लड फिर सीधा हार्ट के लेफ्ट पार्ट में आएगा, तो इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन हम कहेंगे। अब यहाँ पर ब्लड आ गया लेफ्ट पार्ट में, तो ये प्योर ब्लड है। फिर लेफ्ट पार्ट से आर्टेरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर चलता है डॉर्सल एओर्टा से बॉडी ऑर्गन्स को, और बॉडी ऑर्गन्स के सुपीरियर वेना क्या और इंफीरियर वेना क्या, फिर से वो राइट पार्ट में आ जाएगा। यानी कि ब्लड का यहाँ पर जो साइकिल चल रहा है वो दो डिफरेंट तरीके से चल रहा है, एक तो पल्मोनरी चलेगा या फिर सॉरी दूसरा एक पल्मोनरी चलेगा और दूसरा सिस्टेमिक चलेगा। तो इसी तरह से दो जो सर्कुलेशन चल रहे बच्चों, तो इसी प्रकार के दो सर्कुलेशन दिखाने के प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन बता सकते हैं। सिंपल से डायग्राम हमें यहाँ पर दिए। अब ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम चलती है उसी के ऊपर हमें ज़्यादातर डिस्कशन करना है। अब हम सबको पता है ह्यूमन जो है वो मैमल्स के अंदर आते हैं बच्चों, और मैमल्स का और बर्ड का हार्ट जो है वो फोर चेम्बर है। तो इसी की वजह से फोर चेम्बर रहने की वजह से यहाँ पर सर्कुलेशन बहुत और बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। और ये जो सर्कुलेशन है वो एक पंपिंग ऑर्गन के ऊपर डिपेंड रहता है जिसे हम हार्ट कहेंगे। तो अभी देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड वास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ये दोनों सिस्टम से बनी है बच्चों। अब दोनों सिस्टम से बनते हैं तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या होती है ये तो हमें पता होना बहुत जरूरी है, और इससे पहले भी हमने इसके बारे में एक बार डिस्कशन किया था, ठीक है। अब देखो ह्यूमन बीइंग इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्लड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, मीन्स ह्यूमन के अंदर जो ब्लड है, ह्यूमन के अंदर जो सिस्टम है उसी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्लड आता है, हार्ट आता है और ब्लड वेसल आता है। तो इन्हीं से वास्कुलर सिस्टम चलती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद होम्योस्टेसिस, देन प्रोटेक्शन। मीन्स ये जो यहाँ पर सर्कुलेशन चल रहा है तो वहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, एक होता है जिसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, दूसरा होता है होम्योस्टेसिस का, और प्रोटेक्शन का भी फंक्शन वहाँ पर होता है। तो इतने सारे फंक्शंस यहाँ पर ब्लड वास्कुलर सिस्टम से चलेगी ह्यूमन के अंदर। उसके बाद हमें ब्लड कंपोजिशन एंड कोगुलेटिंग फैक्टर्स के बारे में बताया। अभी ब्लड कंपोजिशन क्या है और कोगुलेशन क्या होता है, जब हम ब्लड की स्टडी करते हैं तो उसे हम हीमेटोलॉजी कहेंगे बच्चों, ये डेफिनेशन हम याद रखेंगे हीमेटोलॉजी की, और हीमेटोलॉजी उसे हम कहेंगे। तो हमें 4 to 6 liter ब्लड डेली कैरी करना होता है, और यहाँ पर जो रेड कलर्ड फ्लूड है उसी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो इसलिए हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। हमारा जो ब्लड है बच्चों वो कहाँ से आता है, तो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से आता है, और स्लाइटली अल्कलाइन भी होता है। स्लाइटली अल्कलाइन होता है तो उसका पीएच कितना रहेगा, 7.4 रहेगा, साल्टी रहेगा, उसके बाद विस्कस भी रहेगा। तो इसी तरह से ब्लड के कुछ कैरेक्टर्स वहाँ पर हमें पता चलते हैं। अब ब्लड जो है वाटर से थोड़ा हीवी है, और वाटर से हीवी रहने की वजह से इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। जो फ्लूड प्लाज्मा है बच्चों 55% होता है, उसके बाद फॉर्म एलिमेंट्स है जिसके अंदर हम ब्लड सेल्स को देखते हैं तो 44% है वो, और दिस कैन बी सेपरेटेड बाय टू द सेंट्रीफ्यूज, ये सेपरेट कर सकते हैं आप। कैसा कर सकते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज से कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें ब्लड के कुछ कैरेक्टर्स और कुछ कंपोजिशंस वहाँ पर दिखाई दे। अभी एक्चुअली प्लाज्मा क्या है, जो प्लाज्मा है बच्चों जिसके अंदर 55% जो इन्हीं का नेचर है तो वो पूरा ब्लड के अंदर दिखाई देता है। यानी कि प्लाज्मा ब्लड का 55% एरिया पोर्शन जो है वो एक्यूपाई करता है। अब इतना प्लाज्मा अगर ज़्यादा रहा तो प्लाज्मा की कुछ कैरेक्टर है तो कैसे है, तो वो स्ट्रॉ कलर्ड है, स्लाइटली अल्कलाइन भी है बच्चों, और विस्कस फ्लूइड रहने की वजह से इसी के अंदर कुछ अदर भी कंपोजिशंस कंटेंट है। जो कंटेंट यहाँ पर दिया है उसके अंदर वाटर 90% दिया है, प्रोटीन 7 to 8% दिए है, और इनऑर्गेनिक साल्ट है 1%। इनऑर्गेनिक साल्ट के अंदर जब हम बता सकते हैं सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, उसके बाद मैग्नीज है, क्लोरीन है, उसके बाद हाइड्रोजन कार्बाइड भी दिए वाला है, और PO3-4 इस तरह से कंपोजिशन वहाँ पर दिए है। अभी इतना होने के बाद हमें और एक बात यहाँ पर पता लगती है, जो प्रोटीन से उन्हीं के अंदर अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलाइन
उसके बाद प्रोपरडीन, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, अदर कंटेंट जो 1-2% है, और बाकी के जो कंटेंट है तो बहुत सारे है, जैसा कि फूड है, वेस्ट मटेरियल है, कुछ रेगुलेटर्स है, एंटीकोगुलेंट्स है, कोलेस्ट्रॉल्स और एंटीबॉडीज है, और डिजॉल्व गैसेस भी होगा बच्चों। डिजॉल्व गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, एंटीकोगुलेंट जिसे हिपेरिन हम कहेंगे वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और रेगुलेटर्स के अंदर कुछ हॉर्मोन्स है, कुछ एंजाइम्स है, विटामिन भी वहाँ पर है। वेस्ट के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड होता है, और क्रिएटिनिन भी होता है। उसके बाद फूड के अंदर ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, और ट्राइग्लिसराइड्स है, इसी तरह से बहुत सारे कंटेंट ऑफ प्लाज्मा के अंदर होते हैं। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है बच्चों? फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर हम देखेंगे जो ब्लड सेल्स है वो क्या करते हैं, कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर हमें सबसे फर्स्ट 3 टाइप्स के कुछ एलिमेंट्स दिखते हैं। सबसे फर्स्ट वाले ब्लड कार्पस्कल है, जो आरबीसी के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी के नाम से भी हम जानते हैं, और कुछ प्लेटलेट्स भी है, यानी कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स बन गए। अब शॉर्ट नोट हमें आरबीसी के ऊपर पूछते हैं, तो अभी आरबीसी क्या है बच्चों? जो आरबीसी दिए वाले है तो वो आरबीसी क्या होते हैं ये हमें यहाँ पर देखना है। तो आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स कहेंगे, क्या कहेंगे? रेड ब्लड सेल्स, उसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। अब देखो इरिथ्रोसाइट जो है वो मोस्ट अबंडेंट सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, और ये सेल्स जो है वो सर्कुलर नेचर तो बताते हैं लेकिन बायकॉन के हैं, उसे कुछ कैरेक्टर दिए है, ये न्यूक्लिएटेड है, इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है उन्हीं के अंदर। लेकिन कैमल के अंदर हम देखेंगे या फिर लामा के अंदर देखेंगे तो उन्हीं के अंदर न्यूक्लियस होता है आरबीसी के अंदर, तो ये कुछ हमें वहां पर एक्सेप्शंस दिए वाले हैं, ठीक है। अब रेड ब्लड कॉर्पस्कल जो सेल है आरबीसी, ये ऑक्सीजन कैरिंग है और हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड रहते हैं, इसी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर। मेल्स के अंदर अगर हम देखेंगे आरबीसी के बारे में तो मेल्स के अंदर एवरेज जो है 5.1 टू 5.8 मिलियन एमएम क्यूब इतने आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल के अंदर अगर हम देखेंगे तो 4.3 टू 5.2 मिलियन एमएम क्यूब वहां पर आरबीसी होते हैं। अब इसे हम क्या कहेंगे, दिस आर कॉल्ड एज द आरबीसी काउंट, इसे आरबीसी काउंट कह सकते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन जो आरबीसी की दी है 120 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ वाला एग्जाम में। अब प्रोसेस जो चलती है आरबीसी फॉर्मेशन को, इसे हम इरिथ्रोपोयोसिस कहेंगे, इरिथ्रोपोयोसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी जो प्रोड्यूस होते हैं बच्चों वो हीमोसाइटोब्लास्ट से होते हैं, उसे हम रेटिकुलोसाइट्स भी कह सकते हैं, और इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन्स के अंदर वो होते हैं। फीटस के अंदर हम देखते हैं तो हम पता चलता है कि लिवर, स्प्लीन, और एडल्ट्स के अंदर देखेंगे तो ये रेड बोन मैरो के अंदर हमें दिखाई देते हैं। कुछ विटामिन है जैसा कि बी12, फॉलिक एसिड, हीम, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम याद रखेंगे, ठीक है, कहाँ पर दिया हमें, ये यहाँ तक हम याद रखेंगे जो आरबीसी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय होते हैं तो कहाँ होते हैं, तो लीवर के अंदर होते हैं, स्प्लीन के अंदर होते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन हमें दिए, अगर आरबीसी की नंबरिंग बढ़ जाएगी तो पॉलीसाइथेमिया बन जाएगा, अगर नंबरिंग डिक्रीज हो जाएगी तो इरिथ्रोसाइटोपेनिया होता है। तो ये कुछ वहाँ पर डिफेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी से रिलेटेड, या फिर हमारे आरबीसी या फिर हमारे ब्लड से रिलेटेड होते हैं। अब किडनी के अंदर एक हार्मोन्स होता है बच्चों, जिसे हम इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन भी कह सकते हैं, जो क्या करेगा, तो वो सीधा सीधा स्टिमुलेट होने के बाद बोन मैरो के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। मैच्योर जो इरिथ्रोसाइट्स है वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म, देन हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीनियस पिगमेंट्स, और उसके बाद रेड कलर्स, इसी तरह से कुछ कैरेक्टर्स दिखाते हैं। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी हमें वहां पर दिखाई देता है। तो ये सिंपल सी बात आरबीसी के बारे में हमें पता चलती है बच्चों। उसके बाद देखो इरिथ्रोसाइट्स के बारे में और एक बात हमें वहां पर दी, इरिथ्रोसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करना, और इसी की वजह से विस्कोसिटी और पीएच मेंटेन होता है ब्लड का, ये एक बेसिक वहां पर फंक्शन दिए वाला है आरबीसी का। अब ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी ये बहुत अच्छी तरह से रोल परफॉर्म करती है, और हिमेटोक्राइट जो रेशियो है वॉल्यूम ऑफ द आरबीसी टोटल ब्लड वॉल्यूम से बताया वाला, तो वो वहां पर हम बता सकते हैं, और ये मेल और फीमेल के अंदर अलग रहेगा, ठीक है।
तो ये सिंपल सी बात हमें यहाँ पर आरबीसी के बारे में दे रहे थे। इतना सब कुछ होता है आरबीसी के लिए, इतना सब कुछ होता है इरिथ्रोसाइट के लिए। चलते हैं सीधा डब्ल्यूबीसी की तरफ। अभी एक्चुअली बच्चों डब्ल्यूबीसी क्या है, जिसे हम व्हाइट ब्लड कार्पस्कल कहेंगे या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स भी हम उसे कह सकते हैं। ये जो डब्ल्यूबीसी है, इन्हीं के ग्रुप भी अलग है, इन्हीं का टाइप्स भी हमें बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो देखेंगे डब्ल्यूबीसी क्या है, तो इसे हम ल्यूकोसाइट कहेंगे बच्चों। ल्यूकोसाइट जो है, जिसे हम कलरलेस बता सकते हैं, वो न्यूक्लिएटेड है और अम्योबाइड सेल्स है। जनरली लार्जर होते हैं आरबीसी से, और ड्यू टू द अम्योबाइड मूवमेंट दैट कैन मूव आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज वॉल, मीन्स उन्हीं के अंदर अम्योबाइड नेचर रहने की वजह से वो क्या कर सकते हैं, ब्लड के कैपिलरीज वॉल जो होते हैं हमारे, वो कैपिलरी वॉल से बाहर आते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायपेडेसिस कहेंगे। मीन्स इन्हीं का स्क्विच आउट का नेचर होता है, तो ये जो स्क्विच आउट का नेचर है, तो ये डायपेडेसिस कैरेक्टर है, ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद एडल्ट के अंदर हम नॉर्मली देखेंगे तो 5000 टू 11000 क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। और पर एमएम क्यूब ब्लड के अंदर अगर इन्हीं की नंबरिंग डिक्रीज हो जाएगी बच्चों, अगर लेस हो जाएगी, तो हम ल्यूकोपेनिया बता सकते हैं। और ल्यूकोपेनिया जो है वो कॉमन सिम्टम्स है एचआईवी एड्स टीबी पेशेंट्स के अंदर, या फिर कुछ एक्सपोज्ड पेशेंट्स होते हैं, या फिर उसे हम क्या कहेंगे, रेडिएशन शॉक्स वगैरह ऐसे पेशेंट्स होते हैं, उन्हीं के अंदर ये कॉमनली ल्यूकोपेनिया के सिम्टम दिखते हैं। अब इंक्रीज हो जाएंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस हम बता सकते हैं, मीन्स डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो गए तो ल्यूकोसाइटोसिस, डिक्रीज हो गए तो ल्यूकोपेनिया, ठीक है, ये होता है वहां पर। इतना वहां पर हम बता सकते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। उसके बाद सिंपल सी बात हमें दी है, इट ऑल्सो ऑकर ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी, मीन्स ये प्रेगनेंसी के अंदर भी हो सकते हैं, न्यू बॉर्न बेबी के फॉर्मेशन के टाइम, ठीक है। उसके बाद अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द डब्ल्यूबीसी टाइप ऑफ द ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया, मीन्स यहाँ पर अगर वो अनकंट्रोलिंग में बढ़ जाएगी तो वो एक टाइप का कैंसर बनता है, जिसे ल्यूकोमिया हम कह सकते हैं। अब जो डब्ल्यूबीसी है उन्हीं के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म कैपेसिटी, इसलिए वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं हमारे ब्लड का, हमारे बॉडी का, सीधी सीधी बात वहां पर दी है। अब टाइप्स दिए है डब्ल्यूबीसी के, डब्ल्यूबीसी की जो टाइप्स है वो बहुत सारे यहाँ पर दिए है। तो टाइप्स के बेसिस पर देखो, कलरलेस इरेगुलर न्यूक्लिएटेड सेल्स है, और पॉलीमॉर्फिज्म नेचर है उन्हीं का, इस वेरिएबल फॉर्म्स बता सकती है, तो इसे हम टू मेन ग्रुप के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, एक है ग्रैनुलोसाइट, दूसरा है ए ग्रैनुलोसाइट, तो इसी तरह से दो साइट्स के अंदर इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो दिया है वो बच्चों ग्रैनुलोसाइट्स है। अब ग्रैनुलोसाइट्स क्या है, तो इसके नाम से ही पता चलता है, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स हो सकते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में अगर ग्रैनुल्स है तो वो ग्रैनुलोसाइट्स बन गया, मीन्स यहाँ पर हम बता सकते हैं देयर आर डब्ल्यूबीसी विथ ए ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, दैट इज अ पीएमएन, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट, वो पीएमएन है, ठीक है। उसके अंदर लोब्ड न्यूक्लिया है डिफरेंट शेप का, ग्रैनुलोसाइट्स जो है वो फॉर्म होते हैं, और जनरली ये स्टेम सेल्स और अदर सेल्स इनके साथ फॉर्म्ड होते हैं, मीन्स यहाँ पर हमें सीधा सीधा बताया, ग्रैनुलोसाइट्स आर फॉर्म्ड माइलियर स्टेम सेल्स एंड वंस ऑफ द फॉर्म्ड एंड डू नॉट डिवाइड, मीन्स इसके अंदर डिवाइडेशन की तो कैपेसिटी भी नहीं है। ग्रैनुलोसाइट कंस्टिट्यूट 70% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, जितने डब्ल्यूबीसी वहाँ से 70% वो क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं परसेंटेज, ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। ग्रैनुल्स आर एक्चुअली सीक्रेटरी वेसिकल्स है विच कंटेन द वेरियस सीक्रेशन एंजाइम्स, ग्रैनुल्स के अंदर क्या होता है, वेरियस एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ये अभी डिपेंडिंग करता है स्टेन प्रॉपर्टी के ऊपर। ग्रैनुल्स, दिस ग्रैनुलोसाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट को भी हम थ्री टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसा न्यूट्रोफिलस है, बेसोफिलस है और एसिडोफिलस है। उसके बाद देखो बच्चे यहाँ पर हमें डायग्राम दिए, डायग्राम के बेसिस पर देखो, सबसे फर्स्ट ये न्यूक्लियर के ग्रैनुल्स है अंदर दिए वाले, ये ग्रैनुल्स है, ये न्यूक्लियस का पार्ट है, और इसी के बेसिस पर हम टाइप्स बता सकते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रोफिलस, दूसरे बेसोफिलस, फिर इओसिनोफिलस, इधर दिए लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, तो इसी तरह से वहाँ ये जो ये ग्रैनुलोसाइट्स है, ये ग्रैनुलोसाइट्स और ये जो ये ग्रैनुलोसाइट्स है, तो इसी तरह से उसके टाइम हमें दिखाई देते हैं। अब चलते हैं इधर, न्यूट्रोफिलस क्या है बच्चों, तो ये ग्रैनुलर्स है और इसके ग्रैनुल फाइन होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, और स्टेन्स वहाँ पर होता है, लेकिन वहाँ पर न्यूट्रल स्टेन्स की डाइस होना जरूरी होती है, और न्यूट्रोफिलस जो है वो 70% डब्ल्यूबीसी ऑक्यूपाई
करते दिस सेल्स स्पेरिकल एंड न्यूक्लियस इन सेवरल लोब, वहां पर न्यूक्लियस के लोब दिखाई देते हैं, 2 to 7 लोब्स दिखाई देते हैं। दिस आर एबल टू परफॉर्म एम्योबाइड मूवमेंट्स और फैगोसाइटिस, जो मूवमेंट है वो एम्योबाइड है और फैगोसाइटिस भी मूवमेंट वहां पर हमें दिखाई देती है, जिसे हम फैगोसाइटोसिस कह सकते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉइंग द पैथोजन, पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और फैगोसाइटिक नेचर है उनका बच्चों, ठीक है। जनरली ये पस के अंदर मिलते हैं, पस मिक्सचर होता है, डेड न्यूट्रोफिल्स वहां पर होते हैं, डैमेज टिश्यू और डेड माइक्रोब्स के साथ भी होते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स के बारे में वहां पर पता चला। उसके बाद दिया है हमें बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ जो डाइट चलेगी वो बेसिक है, जिसे हम साइनोफिल्स भी कह सकते हैं। तो ये भी ग्रैनुलर सेल्स है, लार्ज सेल्स के ग्रैनुलर से स्टेन जो चलता है वो बेसिक स्टेज से होता है। और मिथिलिन ब्लू वहां पर इंपॉर्टेंट है, जो बेसोफिलस स्टेन्स के लिए यूज होता है। ये नॉन फैगोसाइटिक है, स्मॉल है, स्पेरिकल सेल्स है बच्चों, और स्पेरिकल सेल्स रहने की वजह से 1.5 to 1% उनका टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट है। न्यूक्लियस ट्विस्टेड होता है, और न्यूक्लियस ट्विस्टेड होने की वजह से ये जनरली एलर्जेटिक कंडीशन को ही दिखते हैं। और बेसोफिलस सिक्रेटरी हिपेरिन हिस्टामाइन और सिक्रेटिन ये सिक्रेट करते हैं, तो वहां पर उन्हीं का वर्क जो है वो एलर्जेटिक कंडीशन को दिखाई देता है। रही बात इओसिनोफिलस की, जिसे हम एसिडोफिलस कहेंगे, नाम से ही पता चलता है इसे एसिड से डाइज किया जाता है, और यहाँ पर लाइजोसोमल ग्रैन्यूल्स होते हैं, और जो स्टेन चलेगा वो रेड कलर से चलेगा, एसिडिक स्टेन से चलेगा, जैसा कि इओसिन के बारे में हम बता सकते हैं। इओसिनोफिलस जो है बच्चों वो 1 to 3% है, और टोटल डब्ल्यूबीसी वहां पर न्यूक्लियस के जो है वो बाइलोब्ड है, और ये डिस्ट्रॉय किससे करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को, यानी कि फैगोसाइटोसिस नेचर उन्हीं के अंदर भी होता है। यहाँ पर नंबर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो एलर्जेटिक कंडीशन बनती है, और एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी वो बताते हैं। इतना होने के बाद ये रिस्पॉन्सिबल है डिटॉक्सिफिकेशन को और एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये 3 parts वहां पर हो गए। अब उसके बाद हमें दिया है ए ग्रैनुलोसाइट्स, जिसके अंदर ग्रैनुल्स नहीं होते हैं, और 28% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी से इनका काउंट है परसेंटेज में। साइटोप्लाज्म जो होता है ल्यूकोसाइट्स का विदाउट ग्रैनुल्स का होता है, और लिम्फोइड स्टेम सेल्स, और ये जो डिवाइड होते हैं माइटोसिस से होते हैं, न्यूक्लिया होता है उनके अंदर ग्रैनुलोसाइट्स नेचर वहां पर तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ग्रैनुलोसाइट्स कुछ होते हैं, लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है, और वो डेफिनेट लोकेशन भी नहीं बताता है, लोबड़ भी वहां पर नहीं होता है, यानी कि डेफिनेट लोब भी उन्हीं के अंदर नहीं होते हैं। तो इसी तरह से एक ग्रैनुलोसाइट्स के हमें 2 types दिखाई देते हैं, एक लिम्फोसाइट्स और दूसरा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स क्या है बच्चों, तो लिम्फोसाइट्स आर द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है एंड हैव अ लार्ज स्पेरिकल न्यूक्लियस, उसके अंदर लार्ज स्पेरिकल न्यूक्लियस है, 25 to 30% टोटल डब्ल्यूबीसी वो पाइज करते हैं, और इनका फंक्शन जो है वो 2 type का है, लिम्फोसाइट्स जो है वो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स इन्हीं टाइप में हमें दिखाई देते हैं, और वो उन्हीं के फंक्शन के बेसिस पर होते हैं। बी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो के अंदर फॉर्म होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए और ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद ये हाईली स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, और टी लिम्फोसाइट से मैच्योर होते हैं, और थाइमस एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ये फॉर्म करते हैं। इनके अंदर हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स एंड द सेंसर सरप्रेसर टी सेल्स, ये 4 main subtypes के लिम्फोसाइट्स वहां पर दिखाई देते हैं। उसके बाद हमें दिया है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है, ये लार्जेस्ट है डब्ल्यूबीसी के अंदर, न्यूक्लियस उन्हीं का लार्ज होता है, और दूसरी बात रही ये बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड न्यूक्लियस बताते हैं, 3 to 5% डब्ल्यूबीसी टोटल काउंट वहां पर बताते हैं मोनोसाइट्स, और एक्टिवली मोटाइल भी होते हैं, और मैक्रोफेगस नेचर उन्हीं का है। अब यहाँ पर देखो दे मेनली फैगोसाइटिक है, डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को, डेड करते हैं, डैमेज करते हैं टिश्यू जो है उनको, फैगोसिस भी कर सकते हैं। तो ये मोनोसाइट के बारे में हो गया। अब इतना होने के बाद हमें मिलते हैं प्लेटलेट्स, जो थर्ड या फिर लास्ट फॉर्म्ड एलिमेंट है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं। ये सेलुलर फ्रैगमेंट्स है बच्चों, और जो फॉर्म होते हैं लार्ज सेल्स से, जिसे हम मेगा कैरियोसाइट्स भी कह सकते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस, कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, तो ये होते हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है। ये स्मॉल है, ओवल शेप्ड है, फ्रैगमेंट्स है, विदाउट न्यूक्लियस है। उसके बाद नॉर्मल काउंट होता है थ्रोम्बोसाइट्स ये, और ह्यूमन के अंदर जनरली 2.5 to 4.5
लैक एमएम के ऊपर हमें दिए वाले हैं। इनकी नंबरिंग भी कम होना वहाँ पर हमारे लिए रिस्की हो सकती है और ज़्यादा होना भी रिस्की हो सकती है। अगर थ्रोम्बोसाइट्स डिक्रीज हो जाएंगे नॉर्मल नंबर से तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे, और यही थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है ये कंडीशन है इंटरनल ब्लीडिंग की, जिसे हम हिमोरेज कह सकते हैं। प्लेटलेट सीक्रेट और प्लेटलेट्स फैक्टर्स आर इसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल फैक्टर को सीक्रेट करते हैं। दे ऑल्सो सिंस द रप्चर ब्लड वेसल बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, मीन्स वो क्या करते हैं प्लेटलेट फॉर्म करते हैं, थ्रोम्बस फॉर्म करते हैं और वो सीक्रेट करते हैं सेरोटोनिन और लोकल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, तो इसी तरह से वहाँ पर हमें प्लेटलेट दिखाई देते हैं। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा डायग्राम दिए, ये WBC बन गई, ये RBC बन गया और ये अंदर के साइड को प्लेटलेट्स हमें दिए वाले थे। ये ब्लड स्मीर है, ब्लड स्मीर के अंदर यहाँ इतने एलिमेंट्स हमें दिखाई देते हैं जिसे हम फॉर्मड एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो बच्चे ये RBC WBC और प्लेटलेट्स के बारे में होगा, यानी कि फॉर्मड एलिमेंट्स के बारे में होगा। अब चलते हैं ब्लड क्लॉटिंग क्या है। ब्लड क्लॉटिंग देखने के लिए हमें कोएगुलेशन फैक्टर्स भी वहाँ पर देखना होता है, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, इसी तरह से अब देखो जो ब्लड क्लॉटिंग चलेगी वो किस प्रकार से है। क्लॉटिंग और कोगुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू सॉलिड फॉर्म, मीन्स ब्लड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये इनिशिएट होती है ब्लड का अगर कॉन्टैक्ट आ जाएगा फाइब्रिनोजन सरफेस से या फिर एंट्रेसिक प्रोसेस से और डैमेज्ड टिश्यू से, जिसे हम एक्सटेंसिव प्रोसेस भी कहेंगे। तो जब ब्लड का कॉन्टैक्ट आ जाएगा तो वहाँ पर सिंपल सी क्लॉटिंग प्रोसेस चलती है। यहाँ पर क्या होता है, एक्सटेंसिव फैक्टर और इंट्रेसिव फैक्टर इन प्रोसेस की वजह से जो इंटरेक्शन बनता है वो वेरियस सब्सटेंस से बनता है और क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव होते हैं और स्टेप वाइज वो सीधा सीधा कैस्केड नेचर बनाकर मैकेनिज्म बनाकर ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। ब्लड क्लॉट करने के लिए फर्स्ट टू थर्टीन जो फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होते हैं, और वहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिनेज, इसी प्रकार के एंजाइम का भी वर्क चलता है और ये सीरियली कन्वर्जन चलता है प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोनेज का। ठीक है, ये फिर वहाँ पर जो सोल्यूबल प्रोटीन है तो सोल्यूबल प्रोटीन फाइब्रिनोजन है वो इनसोल्यूबल बनता है फाइब्रिन को, इनसोल्यूबल फाइब्रिन को बनाता है, फाइब्रिन इनसोल्यूबल बन गए कि वहाँ पर प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉट करने के लिए हेल्प करते हैं और ब्लड सेल्स क्लॉट होते हैं। ब्लड सेल्स क्लॉट हो गए तो सीधा सीधा ब्लड फ्लो रुकता है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसी तरह से। तो उसके बाद और हम आगे चलेंगे और इम्पोर्टेंट पार्ट्स की तरफ जो है हार्ट। स्टूडेंट ह्यूमन हार्ट जो है वो हमें मायोजेनिक नेचर का दिया वाला है, जो पंपिंग करता है कंटिन्यू, हाईली मस्कुलर है, तो उसके बारे में देखेंगे। हार्ट इज अ मेन पंपिंग ऑर्गन, सिंपल सी बात है, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है। रेडिश ब्राउन कलर का है, हलो है, मस्कुलर ऑर्गन है और रफली द साइज ऑफ द वन फिस्ट, मीन्स हमारे फिस्ट की तरफ उसकी साइज है। एवरेज वेट जो दिया है तो 300 ग्राम दिया है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर 250 ग्राम दिया है। ठीक है, इसी तरह से वो कोलोनियल शेप का है और लाइस मेडियास्टिनम वहाँ पर वो प्रेजेंट है, मेडियास्टिनम के पास उसी का स्पेस दिया वाला है प्रेजेंट है। ठीक है, स्पेस बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के अंदर उसका स्पेस है, इसी तरह से उसका लोकेशन हमें वहाँ पर बताया। अब देखो हर्ट कोनिकल तो है, लोअर एंड उसका अपेक्स बताता है, कोनिकल एंड जो है वो स्लाइटली टिल्टेड है लेफ्ट साइड की तरफ और रेस्ट अबोव द डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर बैठे वाला है। हार्ट एनक्लोज होता है मेम्ब्रेनस सैक से, जिसे हम पेरिकार्डियम कहेंगे, और पेरिकार्डियम जो होता है टू लेयर से फॉर्म होता है, आउटर फाइबरस और इनर जो है वो सीरस पेरिकार्डियम है। अभी यहाँ पर दिए वाला है, अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो हमें हार्ट वॉल दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके ऊपर बाहर का जो पोर्शन है ये है पेरिकार्डियम, इस पेरिकार्डियम से हमारा हार्ट एनक्लोजेस है, तो ये हार्ट की वॉल है। जो पेरिकार्डियम उसके अंदर फाइब्रस पेरिकार्डियम दिखाई दे रहा है, पैराइटल लेयर दिखाई दे रहा है और उसे हम सेरस पेरिकार्डियम कहेंगे, उसके बाद पेरिकार्डियल स्पेस दिखाई दे रहा है, उसके बाद विसरल ऑफ द सेरस पेरिकार्डियम ये भी लेयर वहां पर दिखाई देता है। तो इतने पेरिकार्डियम के अंदर आते हैं, हार्ट वॉल दिखाई देती है हमें। फिर पेरिकार्डियम जो है वो सॉफ्ट बच्चों मॉइस्ट है, इलास्टिक नेचर का भी है और ये स्क्वायमोज एपिथेलियम सेल से बना है। फर्दर इसका डिवीजन टू लेयर के अंदर होता है, जो पैराइटल लेयर और विस्लर लेयर है। पैराइटल विस्लर लेयर जो है वो सीरियस पेरिकार्डियम का है और वो भी सेपरेटेड होते हैं पेरिकार्डियल स्पेस से। ठीक है, उसके बाद देखो जो स्पेस है वो फिल होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड से, जो 50 ml वहाँ पर चलते हैं। उसके बाद जो
वर्क उन्हीं का है तो वो है मैकेनिकल शॉक एब्सॉर्ब करना, इंजुरीज को एब्सॉर्ब करना और प्रोटेक्शन करना हर्ट का, ठीक है। लुब्रिकेंट्स के लाइक भी वो वर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह से हर्ट के ये कैरेक्टर और वॉल के बारे में हमने बताया, या फिर उसके कवरिंग के बारे में बताया। फिर आता है हर्ट वॉल का स्ट्रक्चर। हर्ट वॉल मेसोडर्मल में ओरिजिन है, उसके बाद थ्री लेयर्स है उसके अंदर। एपिडर्म होता है, मायोकार्डियम होता है और एंडोकार्डियम होता है। तो ये तीनों लेयर से वहां पर हर्ट की वॉल बनती है। तीनों लेयर जो है वो हाईली मस्कुलर है, थिक नेचर के है और कार्डियक मसल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। तो कार्डियक मसल्स रहने की वजह से इन्वॉल्ट्री एक्शन वहाँ पर चलती है। स्क्वाइमोज इपिथेलियम सेल है और प्रोटेक्टिव नेचर भी है और जनरली रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दी हर्ट। यह हम वहाँ पर हर्ट वॉल के बाद बता सकते हैं। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हर्ट का दिया है वो किस प्रकार से दिया है। ह्यूमन हर्ट जो है फोर चेम्बर्ड है बच्चों, टू सुपेरियर चेम्बर्स दिवाले है उसे आर्टेरिया कहेंगे और कुछ इंफेरियर दिवाले है टू, तो उसे हम वेंट्रिकल कहेंगे। इसी तरह से हमें फोर चेम्बर दिखाई देते हैं, टू मेन पार्ट्स दिखाई देते हैं उसके अंदर। एक्सटर्नली आर्टेरिया जो है वो सेपरेट होता है वेंट्रिकल से और ट्रांसवर्स ग्रूव्स वहां पर दिखते हैं जिसे हम कोरोनरी सल्कस कहेंगे और आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ग्रूव भी बता सकते हैं। और एक बात यहाँ पर है जो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है वो इंटर वेंट्रिकुलर सल्काय है। कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेंस वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और पल्मोनरी ट्रंक भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है, वहाँ से आराइज होता है। वेंट्रिकल एवोटा लेफ्ट वेंट्रिकल ये भी वहाँ पर प्रेजेंट है एंटीरियर साइड को हर्ट के। तो ये हर्ट का कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पर दिखाई देता है। अभी यहाँ पर देखो डायग्राम बताया, डायग्राम के तौर पर हम सिंपल सी बात बताते हैं। जैसा ये राइट वेंट्रिकल बन गया, ये इधर का लेफ्ट वेंट्रिकल बन गया, दो बात हम याद रखेंगे। उसके बाद लेफ्ट आर्टेरियम और उसके बाद इधर की साइड को राइट आर्टेरियम कहाँ दिखाई देता है, देखो राइट आर्टेरियम भी हमें देखना है। ये बन गया लेफ्ट और पैलोड के साइड को, इधर के साइड को हमें राइट आर्टेरियम दिखाई देता है, ठीक है। तो ये राइट आर्टेरियम वहाँ पर होंगे। ये फोर पार्ट्स हमें मेन याद रखना है, उसके बाद हमें आवोटा बाकी सब याद रखने ही वाले हैं, लेकिन ये फोर पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम आप बाद में देख देना अच्छी तरह से। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर दिया है हर्ट का। इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर को हम इंटरनली देखेंगे तो हमें सिंपल सी डायग्राम देखनी है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं देखना है। देखो सिंपल सी डायग्राम किस प्रकार से हम यहाँ पर निकालेंगे, इस तरह से हम डायग्राम निकालते हैं सिंपल से हर्ट की, इतना याद रखेंगे। बाद में फिर चलेंगे हमारे स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये सिंपल सी डायग्राम है। अब यहाँ पर देखो ये अंदर का पार्ट है, ये अंदर का पार्ट बन गया, ये हो गया आर्टेरियम, ये हो गया वेंट्रिकल और ये जो अंदर का पार्ट है ये चेम्बर्स दिवाले लेफ्ट चेम्बर्स है, उसके बाद राइट चेम्बर्स लेफ्ट चेम्बर्स, ये राइट आर्टेरियम ये लेफ्ट आर्टेरियम, ये राइट वेंट्रिकल ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से हम ये यहाँ पर याद रखेंगे। अब सीधा चलते हैं इसी डायग्राम की तरफ। अब यहाँ पर देखो जो दोनों वेंट्रिकल को अलग कर रहा है तो इसे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। एक लेफ्ट वेंट्रिकल है उसे अलग कर रहा है, दूसरा राइट वेंट्रिकल है उसे अलग कर रहा है, तो ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बन गया। जो ब्लड के बॉडी के अंदर से इनप्योर ब्लड लाती है वो इंफीरियर वेना केवा है और बॉडी के ऊपर पार्ट से लाने वाली सुपेरियर वेना केवा यहाँ पर दी वाली है। राइट पल्मिनरी आर्टरी यहाँ पर ओपन हो रही है और पल्मिनरी वेंस वॉल्स जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे। जो ओपनिंग है सुपेरियर वेना केवा की वो ये यहाँ पर है और इंफीरियर की यहाँ पर है इस तरह से। उसके बाद इधर के साइड पर आते हैं, ये अभी ये जो दी वाले हैं ये टेंडन ही है, ठीक है। उसके बाद ये है लेफ्ट पल्मिनरी आर्टरी, पल्मिनरी ट्रंक है। लेफ्ट कॉमन कॉर्टिकॉइड आर्टरी दी वाली है, लेफ्ट पल्मिनरी वेंस है, लेफ्ट आर्टेरियम है, बाइकस्पिड्स। उसके बाद कॉर्डी टेंडन ही तो अभी हमने देखा है, वो भी है पेपिलरी मसल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, छोटा सा बल्जिंग पार्ट दिखाई देता है, ये पेपिलरी मसल्स के है। तो इसी तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। तो इतना ही बताया हमें यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, वो हम डिटेल में देखेंगे। अब देखो बच्चे इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, सबसे फर्स्ट आयोटा के बारे में दिया। आयोटा क्या है, थिन वॉल्ड है और रिसीविंग चेम्बर है हर्ट का, जो सेपरेट होता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से। और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो है
वो होल डिप्रेशन बता दे जिसे आप फोसा ओवैलिस भी कह सकते हैं, ठीक है। इट इज अ रिमनेंट एंड द एम्ब्रियोनिक अपेरेचर कॉल्ड एज द फोरामेन। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसी टाइम वहां पर ओपनिंग रहती है, तो उसे फोरामेन ओवैलिस भी हम कहेंगे, जो बर्थ के टाइम पूरी कवर भी होती है और कंप्लीट होती है। सुपीरियर वेना केवा जो है और इंपीरियर वेना केवा जो है वो ब्लड लाने का काम करते हैं। एक बॉडी के ऊपर के पार्ट से ब्लड लाएगा, दूसरा बॉडी के नीचे से पार्ट से लाएगा, तो इसी तरह से ब्लड लाने का वर्क उन्हीं का है। कोरोनरी सिनेसिस ये जो हार्ट वॉल से ब्लड पंपिंग करते हैं, हार्ट के अंदर आर्टेरियम के अंदर ब्लड आता है हार्ट वॉल से। ओपनिंग जो है उनकी स्टेशियन वॉल से और थर्बेशियन वॉल से भी गार्डेड है। इसी तरह से कोरोनरी सिनेसिस जो है वो राइट आर्टेरियम के अंदर ओपन होती है, और उसके बाद फोर फल्मिनरी वेन्स भी वहाँ पर है जो ओपन होते हैं लेफ्ट आर्टेरियम के अंदर, और ये जो ओपनिंग है ये विदाउट वॉल होते हैं। इसी तरह से उसके बाद आर्टेरिया ओपन इनटू द वेंट्रिकल एंड रिसीव अ साइड बाय द आर्टेरियो वेंट्रिकुलर अपेरेचर। जो भी वो ओपन होता है आर्टेरियो वेंट्रिकुलर के पास, और वहां पर ब्लड रिसीविंग का वर्क चलता है। इसकी ओपनिंग गार्डेड होते हैं ट्राइकस्पाइड वॉल से, जो राइट साइड के साइड में दीवार है, और जो लेफ्ट साइड है वो बाइकस्पाइड वॉल वहां पर बताते हैं। तो इसी तरह से ओपनिंग वहां पर दिखाई देती वॉल से। उसे मेंटेन करने के लिए हमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो ब्लड का बनाने के लिए कुछ टेंडन ही सही वो ओपन और क्लोज करते हैं हार्ट के इसी वॉल्स को। वेंट्रिकल जो दिया है वो भी लोअर पार्ट है हार्ट का, थोड़े थिक वॉल्ड होते हैं, और ये दो चेंबर होते हैं हार्ट के अंदर, एक लेफ्ट वाला होता है एक राइट वाला होता है। दोनों को सेपरेट करने के लिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम वहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से देन स्टूडेंट इधर का पोर्शन देखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें कॉलम मेनी कॉर्नी वहाँ पर दिखाई देती है, या फिर उसे हम क्या कहेंगे ट्रेबिकुलर कॉर्नी भी कहते हैं, तो ये वहाँ पर प्रेजेंट होती है, और स्मॉल पॉकेट और फिशर्स वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से ये जो होते हैं ये ब्लड कंडक्ट करने के लिए और हार्ट को ओपन क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं के अंदर इलास्टिक नेचर्स होते हैं और फाइबरिक नेचर होता है, तो उसे हम क्वाड्रीटेंडनी कहेंगे। क्वाड्रीटेंडनी हर्ट वॉल को और आगे चलकर अटैच होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग होने वाले बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल को। इसी तरह से वो हर्ट को और जो आर्टेरियम वेंट्रिकल है उनको ओपन और क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन स्टूडेंट हमें और एक बात यहाँ पर दी है, राइट वेंट्रिकल जो है वो ओपन होता है पल्मिनरी आवोटा के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो ओपन होता है वो आवोटा के अंदर होता है। तो इसी तरह से इन्हीं की ओपनिंग भी वॉल से गार्डेड किए वाली है। तो ये होता है हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद पंपिंग एक्शन किस प्रकार से चलते हैं, जिसे हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन कहेंगे। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन जो है ये रिथमिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है, जिसे हम रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे और जिसे हम रिलैक्सेशन भी कहेंगे। तो कार्डियक मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन बनता है तो वो सिस्टोल बनेगा, जब रिलैक्सेशन बनता है तो वो डिस्टोल बनेगा। तो उसकी वजह से हार्ट बीट हम काउंट कर सकते हैं 72 टाइम्स वहाँ पर हमें मिलते हैं हार्ट बीट, जो 1 मिनट्स के अंदर होते हैं। तो हार्ट रेट अगर हम देखेंगे तो हार्ट रेट जो 70 ml ब्लड के लिए हमें दिए वाला है, तो 72 हार्ट रेट इंटू 70 ml ब्लड, तो उसे हम कहेंगे 500,040 ml ब्लड, यानी कि 5 लीटर ब्लड वहाँ पर एक कार्डियक आउटपुट से बाहर मिलता है। तो ये हर स्ट्रोक बताने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम वॉल्यूम में बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कंडक्टिंग सिस्टम भी है। बेसिकली कंडक्टिंग सिस्टम डिपेंड होती है एसए नोड पर, ये पॉइंट हमें इम्पोर्टेंट है दोनों। अब एसए नोड क्या करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा, यहाँ से एवी नोड उसे एक्सेप्ट करेगा और सीधा बंडल ऑफ हिज की तरफ भेजेगा। बंडल ऑफ हिज क्या करेगा, पुर्किंजे फाइबर्स को भेजेगा, और वहां से सीधा हार्ट के अंदर क्या होते हैं इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। तो ये सिंपल वहां पर हमें कंडक्टिंग सिस्टम दिखाई देती है। पुर्किंजे फाइबर पूरे हार्ट वॉल के अंदर सिग्नल कंडक्ट करेंगे, और उसकी वजह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत बढ़ता है। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम वहां पर होते हैं, इसे हम मायोजेनिक नेचर कहेंगे। हार्ट का मायोजेनिक नेचर वहां पर है, और ये बेसिकली जो कंडक्शन चलता है कार्डियक का वो नर्वस सिस्टम के हेल्प से चलता है। नर्वस इनपुट और नर्वस आउटपुट भी हम उसे कहेंगे, और उसकी वजह से रैथिमेसिटी बनती है। रैथिमेसिटी बनने के साथ देखो हार्ट वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और नोडल टिश्यू जो है वो नोडल टिश्यू क्या करेंगे, हार्ट बीट को रिस्पॉन्स करेंगे। हार्ट बीट को रिस्पॉन्स बनेंगे तो वहाँ पर एसए नोड, और जिसे हम साइनो आर्टेरियल नोड बताते हैं, वो नोड और ए बी नोड दोनों को यहाँ पर वर्क करना होता है। ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगा,
एवी नोड को देगा, एवी नोड सीधा हार्ट वॉल के अंदर उसे ट्रांसपोर्ट करेगी पुर्किंजे फाइबर की हेल्प से, और पुर्किंजे फाइबर बंडल ऑफ हिस्स से उसे लेते हैं और पूरे हार्ट वॉल के अंदर हार्ट कंडक्टिंग इम्पल्स जनरेट होते हैं, तो उसी की वजह से हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन बनता है। उसके बाद कंडक्टिंग सिस्टम क्या है बच्चों, जो कंडक्टिंग सिस्टम ये वाली बहुत सिंपल सी क्या है देखेंगे, सीधा सीधा अब देखो कंडक्टिंग सिस्टम जो है हार्ट की वो एसए नोड से साथ चलती है, मीन्स एसए नोड जो है प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम, कहां पर प्रेजेंट है राइट एट्रियम को वहां प्रेजेंट है, और वो क्या करते हैं पेसमेकर जैसा आर्ट करते हैं, पेसमेकर जैसा वर्क करते हैं हार्ट के अंदर, जिसके वजह से पावर जनरेट होता है, पावर जनरेट होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन चलेगा, और कॉन्ट्रैक्शन चलने की वजह से जो है वो सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्शन से भी वर्क करेगा और वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को भी सपोर्ट करेगा, तो इसी तरह से एसए नोड वहां पर वर्क करता है। कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है और एवी नोड के अंदर होता है, एवी नोड भी वहां पर क्या करेगा राइट एटेरियो वॉल की तरफ प्रेजेंट रहता है, और इंटर एटेरियल सिम्टम्स की वजह से वहां पर पूरे हार्ट के अंदर क्या होता है इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, और इसे हम पेज सेटर कहेंगे। पेज सेटर जो होता है वो हार्ट का होता है। उसके बाद बंडल ऑफ हिस दिया है जिसे हम द्वारा कहेंगे, ये ब्रांचेस होते हैं और ब्रांचेस स्टार्ट करते हैं यहाँ से एवी नोड की वजह से, और जो ब्रांचेस स्टार्ट होते हैं वो एवी नोड से होते हैं और पासिस करते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर। फिर बंडल ऑफ हिस जो है टू ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा, एक राइट साइड में चले गई, एक लेफ्ट साइड में चले गई, और दोनों वेंट्रिकल वहां से इन्हीं ब्रांचेस की वजह से क्या करेंगे आने वाले इम्पल्सेस को एक्सेप्ट करेंगे, और इनका नेटवर्क जो है वो पूरे वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर क्या करता है इम्पल्सेस जनरेट करता है, इम्पल्सेस ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो नेटवर्क जो बनता है बंडल ऑफ हिस का, तो उसे पुर्किंजे फाइबर हम कह सकते हैं, और ये पुर्किंजे फाइबर इम्पल्सेस पूरी तरह से स्प्रेड आउट करते हैं। इतना होने के बाद ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलेगी, और कंटिन्यूस चलने के बाद उसे हम हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम बता सकते हैं। अब वर्किंग क्या दिया है जिसे हम कार्डियक साइकिल कहेंगे, कार्डियक साइकिल के अंदर देखो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये दो एक्टिविटीज होते हैं, तो उसे हम साइकिल कहेंगे, और ये दोनों एक्टिविटी अल्टरनेट चलेंगे, दोनों एक्टिविटी अल्टरनेट चलेंगे तो कार्डियक साइकिल जो है ये पूरा 0.87 के अंदर कंप्लीट होती है। तो 0.87 के अंदर यानी कि एक मिनट के अंदर पूरा 72 बीट्स वहां पर होते हैं कार्डियक साइकिल के। आर्टेरियल सिस्टोल क्या है जिसे हम एएस कहेंगे, तो राइट आर्टेरियम जो है वो रिसीव क्या करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और लेफ्ट आर्टेरियम क्या करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। अब जब दोनों ब्लड वहां पर रिसीव हो गए फुलफिल हो गए तो प्रेशर एग्जर्ट होता है वॉल के ऊपर, और इसका रिस्पॉन्स होकर वहां पर प्रेशर जनरेट होने की वजह से एसए नोड फास्टली वर्क करते हैं, और एसए नोड का वर्क होते वक्त वहां पर कार्डियक इम्पल्स जनरेट होते हैं। कार्डियक इम्पल्स जनरेट हो गए कि मसल्स आर्टेरियल वॉल जो है उन्हीं का कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा, और सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ने की वजह से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से आउट हो जाएगा। ब्लड अगर वेंट्रिकल से आउट हो गया तो वो वेंस के अंदर आता है, और वहां से सीधा ब्लड क्या होता है जो आउट हो गया वो ब्लड सीधा एओर्टा से बॉडी को मिलेगा, और जो ब्लड पूरी बॉडी से घूमकर बाद में वेंस के अंदर आएगा, वेंस से सीधा फिर हार्ट के राइट पार्ट में आएगा। तो ये पूरी प्रोसेस वहां पर होती है, वहां पर स्टेशन थैबिसियन दोनों वाल रिस्पेक्टिवली वर्क करते हैं, और कंप्लीट होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वर्क। ये दोनों होने की वजह से 0.7 सेकंड हमें वहां पर पता चलते हैं, और आर्टेरियल सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकंड का, और आर्टेरियल डिस्टोल जो है वो 0.7 का हमें मिलता है। तो इसी तरह से ये प्रोसेस वहां पर चलते है। उसके बाद ये वाला है हमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसे हम कहेंगे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या है, तो देखो इम्पल्सेस जो है एसए नोड से आते हैं और एवी नोड से भी आते हैं, और आने के बाद क्या होता है जो इम्पल्सेस है वो पूरी बंडल ऑफ हिस से वेंट्रिकल के वॉल में आते हैं पुर्किंजे फाइबर की वजह से। पुर्किंजे फाइबर की वजह से आने के बाद जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से सिस्टोल प्रेशर जनरेट होता है। सिस्टोल प्रेशर जनरेट हो जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सीधा राइट वेंट्रिकल के अंदर होता है, तो वो चले गया पल्म की तरफ और पल्म से लंग्स की तरफ, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है एओर्टा की तरफ, और एओर्टा से चलेगा बॉडी की तरफ, तो ये वॉल की वजह से चलता है, और इतना होने के बाद लब और दब साउंड वहां पर क्रिएट होता है। तो ये सिस्टोलिक कंडीशन है 0.2 सेकंड में बता सकते हैं। वेंट्रिकलिक जो भी कंडीशन हमें दिखाई दे रही है वीडी जिसे हम कहेंगे डायस्टोलिक, वो 0.5 सेकंड में दिखाई देगी। तो उसी टाइम क्या होता है हार्ट
कि जो वॉल है जैसे सेमी ल्यूनर वॉल वगैरह वो भी सपोर्ट करते हैं इस एक्टिविटी को, और इतना होने के बाद डब साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, 0.4 सेकंड से ये हमें हर्ट का डब साउंड दिखाई देगा। उसके बाद जो एटेरिया है वेंट्रिकल से, ये डायस्टोल प्रोसेस बताते हैं, और हर्ट के चेम्बर्स के अंदर डायस्टोल दिखाई देता है, जो कंडीशन है उसे हम जॉइंट डायस्टोल कहेंगे और कंप्लीट डायस्टोल कहेंगे। तो ये 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल वहाँ पर हमें बताई जाती है। तो इसी तरह से देखो VS और VD दिए वाला है, VS यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल और VD यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जॉइंट डिस्टोल यहाँ तक है जो 0.4 से लेकर 0.8 तक दिए वाला है, और यहाँ से 0.1 से लेकर 0.4 तक हमें VS दिए वाला है। तो ये टाइम सेकंड का ग्राफ वहाँ पर रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो राइट साइड का जो भी हार्ट कंडीशन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली कंडक्ट करता है, और लेफ्ट साइड का जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंडक्ट करता है। तो ये जो टू वॉल्यूम ब्लड चलता है पंपिंग प्रोसेस वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कंडीशन में, तो उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे, और ये स्ट्रोक वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 70 ml होता है। तो ये एग्जाम के लिए हम याद रखेंगे बच्चों। उसके बाद यह है कार्डियक आउटपुट, मीन्स कार्डियक आउटपुट कितना चलता है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट पर मिनट, एक मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट हो जाएगा। तो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन के बारे में अगर हम सोचेंगे तो यहाँ पर देखो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू SV इंटू HR, और 70 क्या है, SV है हमारा सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर जो दीवाला है वो है, और HV जो है वो हार्ट रेट दीवाला है 72। तो टोटल ब्लड कितना मिलेगा, 5040 ml, यानी कि 5 लीटर ब्लड आपको एग्जिबिटली वहाँ पर आउटपुट मिलता है कार्डियक का। तो ये सिंपल सी बात वहाँ पर हमें पता चलती है। अब उसके बाद हमें दिया है ब्लड वेसल्स। अब एक्चुअली ब्लड वेसल्स क्या है, जो ब्लड कंडक्टिंग ट्यूब से बच्चों, तो यहाँ पर हमें 3 मेन टाइप्स देखते हैं ब्लड वेसल्स के। एक होती है जो आर्टरी होती है, दूसरी वेन, और तीसरी कैपिलरी। आर्टरीज के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये ब्लड वेसल्स कैपिलरी ब्लड है, और ये हर्ट टू वेरियस पार्ट्स को जाती है, ऑर्गन्स को जाती है, बॉडी के पार्ट्स को जाती है, और इसी के ब्रांचेस भी मिलते हैं जिसे हम आर्टेरियोवोल्स कहेंगे। फिर फाइन कैपिलरीज वहाँ पर मिलेगा, उनका नेटवर्क मिलेगा, और नॉर्मली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने की वजह से हम इसे ऑक्सीजनेटेड आर्टरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल बात वहाँ पर हमें बता देते हैं। हमारे बॉडी के अंदर डीपली सिचुएटेड होते हैं बच्चों, और इसी को हम वहाँ पर डीपली सिचुएटेड होने की वजह से हम सीधा सीधा इसे उतना इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये ब्रांचियल तो है, फॉर्मल भी है, और सुपरफिशियल लोकेटेड रहने वाले कुछ एवोटास वहाँ पर दिखाई देते हैं, आर्टरी सॉरी एवोटास रहने वाले आर्टरी दिखाई देते हैं। ये सुपरफिशियल भी वहाँ पर होते हैं, और कुछ होते हैं तो डीपली सिप्टेड भी होते हैं। TS दिया है आर्टरी का, जो TS देखते हैं तो हमें वहाँ पर हमें 3 डिफरेंट पार्ट दिखते हैं। फर्स्ट है ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरा है ट्यूनिका मीडिया, तीसरा है ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो थिक होता है, कोलेजन फाइबर से बना हुआ होता है। ट्यूनिका मीडिया जो है वो स्मूथ मसल से बना हुआ है, और उसके बाद इलास्टिक फाइबर्स का भी है, थिक मस्कुलर इलास्टिक लेयर उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आर्टेरियल वॉल जो है वो पल्स सेटल भी है, यानी कि पल्स जनरेट वहाँ पर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनर मोस्ट अगर हम देखेंगे तो ट्यूनिका इंटरना जो है वो सिंगल लेयर का है, कॉम्पैक्ट है, और एंडोथेलियम सेल्स के साथ बना हुआ है। उसी का अंदर हमें ल्यूमेन भी दिखाई देता है। मार्जिन के अराउंड में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर टेसल स्टेशंस है, और सीधा सीधा ल्यूमेन जो है वो डिवाइड होता है वॉल्स और ब्लड फ्लो से। इसी तरह से हम वहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर रैपिडली ब्लड प्रेशर भी होता है। ये ट्यूनिका एक्सटर्ना बन गया, ये ल्यूमेन का पार्ट बन गया, ये ट्यूनिका मीडिया का पार्ट बन गया, और ट्यूनिका इंटरना का पार्ट बन गया। ठीक है, इसी तरह से आर्टेरी का ल्यूमेन थोड़ा बड़ा है, उसके बाद वेन का उससे ही ज़्यादा बड़ा है, और कैपिलरीज का थोड़ा कम ल्यूमेन दिए वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो वेन्स की तरफ बढ़ते हैं। वेन्स एक्चुअली क्या है, थिन वॉल है, मोस्ट सुपरफिशियल है वेसल्स जो ब्लड कैरी करते हैं ऑर्गन से लेकर हार्ट तक, और इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो इनके अंदर कैपिलरीज होते हैं जो अराउंड में होते हैं, ऑर्गन से जॉइंट्स भी होते हैं, और वेन्स जो है वो वेन्स पल्मोनरी वेन्स है जिसके अंदर प्योर ब्लड होता है, और बाकी सभी वेन्स है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पोर्टल वेन्स क्या दिया है, तो पोर्टल वेन्स जो हिपेटिक पोर्टल है, और ये हिपेटिक पोर्टल जो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम नॉर्मल वेन्स से, जो स्टार्ट्स होते हैं कैपिलरी से, और ऑर्गन्स और कैपिलरीज के इंटरमीडिएट्स ऑर्गन से वो रिलेटेड होते हैं। इनका वर्क चलता है लीवर से, उसके बाद ब्लड लीवर से हार्ट तक लाने का वर्क है। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो वेन्स जो है वो 3 लेयर्स बताएगी, जैसे कि आर्टरीज के हमें बताए ट्यूनिका एक्सटर्ना है, उसके अंदर ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना है,
ठीक है, ल्यूमेन जो है थोड़ा नैरोवर होता है और वाइड भी होता है इसी तरह से, और रोशनी के अंदर से ब्लड फ्लो हुआ हमें नजर आता है। ब्लड प्रिवेंट जो जो ब्लड फ्लो बैक होता है वो प्रिवेंट करने के लिए सपोर्ट करती है। तो ये देखो, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना बन गया, ये ट्यूनिका मीडिया बन गया, ये इंटरना बन गया। जो ल्यूमेन है थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है, यानी कि ये साइज नैरो बन गई लेकिन ल्यूमेन का एरिया ब्रॉड बनता है। उसके बाद हमें दिए हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या बच्चे, तो कैपिलरीज एक माइन्यूट ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है जो थिन वॉल्ड है और सिंगल लेयर का है, फ्लैट है, स्क्वामियोस इपिथेलियम सेल से बना हुआ है और उस सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन भी उसके अराउंड में दिखाई देता है। ये मेनली क्या करता है, तो इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एक्सचेंज करता है। वॉल जो है कैपिलरीज की वो फॉर्म्ड ऑफ सिंगल स्क्वामियोस लेयर की बनी हुई है, स्क्वामियोस इपिथेलियम की बनी हुई है और स्ट्रेचेबल है, ब्लड फ्लो वहाँ से हो सकता है। और जो कैपिलरीज हुई वो हाई प्रेशर और वॉल कैपिलरीज जो है वो स्मॉल एंडोथेलियम पोर्स बता सकते हैं, जिसे फेनिस्ट्री हम कहेंगे, और ब्लड सेल्स जो WBC है वहाँ से स्केप होते हैं, तो उसे डायपेडोसिस नेचर हम बता सकते हैं WBC का। पल्स जो दिए वाले हैं, तो पल्स यानी कि सीरीज ऑफ प्रेशर वेव्स ट्रैवल थ्रू द आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर अगर वेव्स ट्रैवल हो रहे हैं तो उसे हम पल्स कह सकते हैं। तो ये सीधा सीधा बात वहाँ पर हमको दिए। उसके बाद देखो, ये स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टरीज है और हार्ट से क्लोज रहते हैं, ग्रेजुअल भी इन्हीं के अंदर हमें क्या दिखाई देता है, वीक आर्टरीज दिखाई देते हैं और हर्ट का इफेक्ट उन्हीं के ऊपर ज्यादा रहता है और इजीली वो सुपरफिशियल रहने की वजह से हम उसे क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद कॉरिटेड आर्टरी दिए वाले जो नेग्रिजेंट के होते हैं, पल्स वहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद फेल पर्टिकुलर पॉइंट्स वहाँ पर हमें बॉडी के अंदर जो है वहाँ पर भी सुपरफिशियल आर्टरीज होते हैं और पल्सेस हम वहाँ पर काउंट कर सकते हैं। पल्सेस काउंट करने के लिए हमें सुपरफिशियल आर्टरीज की जरूरत होती है। अब यहाँ पर देखो, फेशियल आर्टरी दिए वाले, टेम्पोरल दिए वाले, कॉरिटॉइड्स दिए वाले, उसके बाद ब्रैंकियल दिए वाले, रेडियल दिए वाले, फॉर्मल दिए वाले और उसके बाद पॉपलिटिन दिए वाले, पोस्टेरियर दिए वाले, उसके बाद टीबियल दिए वाले, डॉर्सल दिए वाले और पेडेसिस दिए वाले। तो ये सुपरफिशियल जो ब्लड प्रेशर काउंट करने को सपोर्ट करते हैं। इनका पल्स रेट जो है इक्वल टू द हार्ट रेट होता है और पल्स रेट हायर देन होता है नॉर्मली 100 बीट्स का, और जो टैकीकार्डियक होता है वो स्लोअर पल्स रेट होता है जो 60 बीट का होता है, जिसे नॉर्मल हम क्या कहेंगे, ब्रैडी कार्डिया करेंगे। तो ये सीधा सीधा बात वहाँ पर हमें पता चलती है, ये पल्सेस के बारे में। उसके बाद दिया है हमें दूसरा पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है इसी टॉपिक का, लिम्फेटिक सिस्टम। ECG दिया, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम है बच्चों, ठीक है, सीधा चलते हैं ECG की तरफ। अब ECG क्या है बच्चों, तो ECG जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इसे हम ग्राफिकल रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस डिटेक्टर कहेंगे और ये सरफेस ऑफ बॉडी ड्यूरिंग टू द प्रोपेगेशन थ्रू द वॉल ऑफ द हार्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मीन्स यहाँ पर ECG से हम क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर क्या है उन्हीं का, जो इम्पल्स जनरेट होने वाली जो भी कैपेसिटी है वो कितना जनरेट हो रही है, वहाँ पर किस प्रकार से ब्लड फ्लो हो रहा है, ये हम बता सकते हैं। उसके बाद इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो हम ग्राफ के बारे में बता सकते हैं। तो ECG एक मशीन भी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हम उसे कहेंगे, जो इंस्ट्रूमेंटल डिटेक्शन करती है और हमें ग्राफ के बारे में एम्पलीफिकेशन देती है सिग्नल का, ठीक है। तो अब उसके बारे में हमें देखा है, तो और एक बात यहाँ पर दी है हमें, वहाँ पर PQRS वेव्स के बेसिस पर वहाँ पर वर्क करना है। जो प्यू वेव्स है वो स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन दिखाते थे और बेसलिन ग्राफ वहाँ पर बताते हैं। उसके बाद आर्टेरियल डिपोलराइजेशन बताते हैं, QRS जो कॉम्प्लेक्स होता है और स्लाइटली डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन वो बताते हैं, और इतना होने के बाद अपराइट वेव्स और एंड वेव्स हमें वहाँ पर दिखते हैं। जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन और जो T है वो स्मॉल वाइडर अपवर्डली ओरिएंटेड वेव्स बताते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन। तो यहाँ पर हमें दिए वाला है, ये देखो 0 पॉइंट से लेकर हमें 1.6 तक दिए वाला है। ये QR और S का वेव दिए वाला है, T यहाँ पर दिए वाला है, यानी कि QRST, ये तीनों हमें यहाँ पर याद रखना है। ये नॉर्मल ECG का क्या दिए वाला है, हमें पिक्चर दिए वाला है। ये आर्टेरियस के बारे में दिया है और ये वेंटिकल के बारे में दिए वाला है, ठीक है। तो ECG जो है हेल्प करती है डायग्नोसिस को, एबनॉर्मेलिटीज को, कंडक्टिविटी के डायग्नोस, कंडक्टिंग पाथ को, उसके बाद एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट चेंबर, डैमेजिंग ऑफ द कार्डियक मसल्स, उसके बाद ब्लड सप्लाई रिड्यूस होता है कार्डियक को, तो वो चेस्ट पेन क्या होता है उसके डायग्नोसिस के लिए, फिजिकल डिफेक्ट जो है हार्ट के उसके डायग्नोसिस के लिए ये इफेक्ट जो है वो उसका हम
बता सकते हैं और उसके इफेक्ट की वजह से पता कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली है हमें लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बच्चों, इसके अंदर लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स और कुछ ऑर्गन्स और कुछ टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। जो वर्ड लिम्फ है उसका मतलब होता है क्लियर वाटर, और जो क्लियर वाटर है एक फ्लूड है कनेक्टिव टिश्यू का, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी। इनके अंदर आरबीसी नहीं होती, बाकी पूरा होता है, प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन्स भी वहां पर हमें क्या होते हैं तो एक्सेप्शन में दिखाई देते हैं। मीन्स सिंपल सिंपल बता सकते हैं हम कि इसके अंदर कंपोजिशन में क्या होता है कि ब्लड है, आरबीसी नहीं है, प्लेटलेट है, उसके बाद प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, और इसी फ्लूड को इंट्रासेलुलर फ्लूड हम कहते हैं, और वो इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर मिलता है। बॉडी टिश्यू जो है वो एंटर होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर होने की वजह से वहाँ पर जो डिस्चार्ज रहेगा वो डिस्चार्ज सीधा सीधा ब्लड के अंदर होता है, तो इसलिए ब्लड वेसल्स और वेन्स के अंदर इनका डिस्चार्ज हमें दिखाई देता है। ठीक है, थ्रू द थोरेसिक डक्ट एंड द राइट लिम्फेटिक डक्ट। कहाँ से आते हैं तो थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट से ही आते, तो इसी तरह से ये हमें सर्कुलेशन के बारे में पता चला। अब यहाँ पर देखो ये टॉन्सिल का एरिया दिया है। अब ये जो डायग्राम है बच्चों, तो ये डायग्राम हमें लिम्फेटिक सिस्टम की दी है। ये टॉन्सिल का एरिया है, वहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके बाद सब क्लेवियन वेन्स दिए वाले, वहाँ पर भी लिम्फेटिक सिस्टम, थाइमस ग्लैंड दिए वाले, एक्सिलरी लिम्फ नोड दिए वाले हैं, थोरेसिक डक्ट, अपेंडिक्स एरिया, उसके बाद लो उस क्या दिए वाला है तो इंग्विनियल लिम्फ नोड्स दिए वाले, स्प्लीन दिए वाले हैं, रेड बोन मैरो और क्रूशियल लिम्फ नोड्स। तो ये सीधा पता चलता है लिम्फेटिक सिस्टम का। तो आज के लिए हमें इतना ही पोर्शन दिया था जो हमने कवर किया है, जो हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।